subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं जितेंद्र चौधरी फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो, आज अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे और देखो सिंपल सा चैप्टर होगा आज अपना, और उसका नाम है योगफल। और योगफल का सीधा सा मतलब है जोड़ करना, संख्याओं का जोड़ करना। तो आज अपना जो चैप्टर होगा योगफल का चैप्टर है, अपन लोगों को भिन्न भिन्न संख्याओं को जोड़ करना है। देखो, अब सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी संख्याएं होंगी जिनका अपन लोग योग करेंगे। तो देखो, पहली जो संख्या है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पहली जो संख्या है वो है प्राकृत संख्या। कहां से शुरू होता है? एक से। और कहां तक चलता है? ये अनंत तक चलता है, ठीक है। दूसरा जो नंबर यहां होगा वो होता है पूर्ण संख्या। इन्हीं संख्याओं का अपन लोग योग निकालेंगे। कहां से शुरू होता है? जीरो से। और कहां तक चलता है? ये भी अनंत तक, ठीक है। तीसरा जो संख्या अपने पास होगा वो है पूर्णांक संख्या, और ये पूर्णांक संख्या माइनस इंफिनिटी, जीरो और प्लस के इंफिनिटी तक चलता है। माइनस इंफिनिटी से प्लस के इंफिनिटी तक। नेक्स्ट जो संख्या है वो है धन पूर्णांक, जो कि पूर्णांक का भाग है। मैंने अलग अलग भी आपको बताया है, धन पूर्णांक मतलब प्लस एक से लेकर प्लस के अनंत तक। नेक्स्ट जो नंबर है वो है ऋण पूर्णांक, और ये जो ऋण पूर्णांक है ये माइनस एक से चलता है और माइनस के इंफिनिटी तक चलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला संख्या होगा वो होगा धनोत्तर पूर्णांक, ये जीरो से शुरू होता है और प्लस की तरफ बढ़ता है, प्लस के अनंत तक। इसके बाद जो संख्या आएगा वो है सम संख्या। सम संख्या का मतलब है जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाए, वो नंबर सम नंबर कहलाएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो कहलाएगा विषम संख्या, जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, वो संख्याएं कौन सी कहलाती है? विषम संख्या। तो ये सभी संख्याएं होंगी अपने पास, इन्हीं का अपन लोग क्या करेंगे? योग करेंगे। ये जो संख्याएं हैं इनका क्या करेंगे अपन लोग? योग करेंगे, ठीक है। अब अपन लोग ये योग क्यों याद रखेंगे? क्योंकि अपने को पता ही नहीं कहां से शुरू होता है, तो वो योगफल का कोई भी क्वेश्चन अपन लोग हल नहीं कर सकते। और अगर ये योगफल अपने को आता है तो अपन लोग औसत भी बना सकते हैं, क्योंकि औसत का जो मतलब होता है वो है राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। तो राशियां ये हो गई, इनका योग करेंगे, डिवाइड करेंगे एक दूसरे को, तो अपने को क्या मिल जाएगा? उनका एवरेज भी मिल जाएगा। देखो, अब ये जो योगफल है ये भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से अपन से पूछा जाता है। तो ये तीन प्रकार के योगफल होंगे। पहला तो होगा नॉर्मल संख्याओं का योग, ठीक है। दूसरा इसका भाग होगा संख्याओं के घनों का, सॉरी वर्गों का योग, ठीक है। तीसरा जो होगा वो होगा संख्याओं के घनों का योग।
तीन प्रकार से अपन लोग इनका क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। नॉर्मल संख्याओं का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के घनों का योग, यही संख्याएं होंगी। किसी भी संख्या का वो अपने को नाम बता सकता है, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, जैसे ले लिया अपन ने पांच नंबर ए बी सी डी और ई, ये पांच संख्याएं अपन ने ले लिया, तीनों प्रकार की योगफल देखेंगे, ठीक है, कि ये तीनों प्रकार की योगफल किस प्रकार से बनेंगे। तो अगर अपन से पूछा जाए नॉर्मल योग, मतलब किसी भी संख्या का नाम बोल देगा और आपसे योगफल पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई आंसर आ जाएगा। जिस संख्या का नाम बोले उसी संख्या को जोड़ देंगे, आंसर बन जाएगा। वर्गों का योग बोले तो देखो यहां पावर क्या है, सिंगल है। पता कैसे चला, कोई भी नंबर का पावर नहीं हो इसका मतलब उसका पावर कितना होता है, हमेशा एक होता है। अब वर्गों का योग अगर अपन से पूछे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये क्या हो गया, वर्गों का योग हो गया और ये केवल संख्याओं का योग हो गया, ठीक है। ऐसे ही अपन से पूछे घनों का योग पूछे तो क्या हो जाएगा, घन मतलब पावर तीन, वर्ग मतलब पावर दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस ई क्यूब, ये क्या हो गया, संख्याओं के घनों का योग हो गया। कहीं भी किसी क्वेश्चन में घन लिखा हुआ है तो पावर तीन, वर्ग लिखा हुआ है तो पावर दो, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पावर एक, मतलब वो लोग अपन से तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिंगल संख्याओं का योग, वर्गों का योग, घनों का योग। अपन लोग इनको कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले सिंगल संख्याओं का योग पढ़ेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम के क्वेश्चन भी अपन लोग हल करेंगे, वर्गों का योग भी निकालेंगे, घनों का योग भी निकालेंगे। तो अलग अलग टाइप बना के अपन लोग पढ़ेंगे कि इस प्रकार से अपन लोग इसको हल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अपन लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे संख्याओं का योग ज्ञात करना। देखो फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट चैप्टर है संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो देखो किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और अपन लोग हल कैसे करेंगे। जैसे अपने सामने क्वेश्चन आ गया प्रथम दस प्राकर संख्याओं का योग, एक क्वेश्चन तो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास प्रथम दस पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास प्रथम दस तक धनोत्तर पूर्णांकों का योग, प्रथम दस धनोत्तर दस तक धनोत्तर पूर्णांकों का योग। नेक्स्ट ले लिया अपन ने प्रथम एन प्राकर संख्याओं का योग, इस प्रकार से अपन ने चार क्वेश्चन बना लिए, ठीक है। अब इनका अपन लोग समझ समझ के हल करेंगे, किसकी बात हो रही है, किस प्रकार से अपन लोग इसको सॉर्ट आउट करें। देखो ध्यान से देखो, प्रथम प्रथम का मतलब क्या है यहां, कि जहां से वो शुरू करने के लिए बोल रहा है,
वहां से अपने को लेना है। अब किस संख्या की बात हो रही है यहाँ? प्राकृत संख्या की। और कितने प्राकृत लेने हैं अपने को? 10। उनका क्या करना है? योग। इसका मतलब ये है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1+, क्योंकि प्रथम 10 लेने हैं, 1+, 2+, 3+, और कहां तक जाना है अपने को? 10 तक, क्योंकि उसने बोला 10 लेना है। तो 1 से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे? 10 तक चले जाएंगे, क्योंकि मुझे टोटल 10 पूर्णा है, प्राकृत संख्या चाहिए। ऐसे एक बार सभी क्वेश्चन का एक एक रूप और बना लेते हैं अपन। यहां आ जाओ, वही प्रथम से लेना है। और कौन से पूर्णांक है? देखो, धनोत्तर पूर्णांक है। कहां तक जाना है अपने अपने को? 10 तक। इसका मतलब क्या था? 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। लेकिन मैंने पहले बताया था, अगर कोई संख्या 0 से प्रारंभ हो रही है तो उसमें किसका फर्क पड़ता है? तक का। अगर क्वेश्चन में तक आ रहा है तो जितना बोला जा रहा है उतना लेना पड़ेगा, और अगर नहीं आ रहा है तो कितना कम कर देंगे? 1 कम कर देंगे। वो भी क्वेश्चन अपन यहाँ पे यूज किया है। देखो, इसका पहला क्या हो जाएगा? 0+, 1+, 2+, और कहां तक जाना है बताओ अपने को? 10 तक जाना है, क्योंकि बोला गया है। अगर यहां तक नहीं होता तो अपन कितना लेते? 9 लेते। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नंबर कौन है यहाँ? 0 है। अब यहाँ आ जाओ, प्रथम से ही लेना है। किस संख्या की बात हो रही है? पूर्ण संख्या की। ये पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है बताओ? 0 से। और कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। अब इसमें तक नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं कितना कम करूंगा? 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? 0+, 1+, 2+, और कहां तक जाएंगे बताओ? 9 तक। अगर यहां तक होता तो 10 लूंगा, और तक नहीं है तो कितना कम लूंगा? 1। ठीक है। अब चाहे वो यहाँ कितना भी बड़ा नंबर लिख दे, यहाँ आ जाओ, प्रथम से ही लेना है। किस संख्या की बात हो रही है? प्राकृत संख्या की बात हो रही है। अब प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। और मुझे कहाँ तक जाना है? n तक जाना है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना। ठीक है। तो क्वेश्चन के बाद फॉर्मूला बनाने का सीधा सा मतलब है कि जब अपन लोग क्वेश्चन हल कर लेंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक अपने को याद हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब सीधा सा फंडा है अपना, क्या करना है क्वेश्चन के साथ, चाहे जितनी भी संख्याओं का योग पूछे। लास्ट नंबर देखना है सबसे पहले, तो लास्ट नंबर यहाँ कितना है बताओ? 10 है। चाहे जो भी नंबर हो लास्ट, उस लास्ट नंबर को ऐसे के ऐसे उठाओ। लास्ट 10 था, 10 लिख दिया। अब 10 के बाद कितना आता है? 11, और भाग लगा दो 2 का, ये अपना आंसर हो गया। जो भी लास्ट नंबर है उसको ऐसे के ऐसे उठाओ, अगले वाले से मल्टीप्लाई करवा के क्या कर दो? आधा कर दो। चलो, कितना बार कटेगा? 5 बार। और आंसर कितना आ जाएगा? 11, 5, 55 अपना क्या हो गया? आंसर। हमेशा एक बात ध्यान रखना, यहां वाले अंश और हर एक दूसरे से कटेंगे, अगर नहीं कट रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि जब अपन लोग बिना फ्रैक्शन, जो बिना पॉइंट का संख्या जोड़ रहे हैं, तो आंसर में भी पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है। चलो, यहां देखो, लास्ट नंबर कितना आया? 10। किसको उठाएंगे? 10। 10 से अगला कितना हो गया? 11। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। लास्ट से अगला बाई 2 आंसर। कितना बार कटेगा? 5 बार। और 11, 5 कितना हो गया बताओ? 55। तो आंसर कितना हो गया अपना? 55 हो गया। ठीक है। यहाँ आ जाओ, देखो लास्ट कितना है? 9 है। किसको उठाएंगे? 9। 9 से अगला 10/2 आंसर बन जाएगा अपना। कितना बार कटेगा? 5 बार। 9, 5 कितना हो गया? 45। तो आंसर कितना आया अपना? 45 आ गया। ठीक है। चलो, यहाँ लास्ट नंबर कितना है? n। किसको? काम एक याद रखो कि मुझे फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सिंगल जो संख्याएं हैं उनका योग मैं किस प्रकार से निकालूंगा। लास्ट n,
अगला लेते हैं यहां, मतलब एक प्लस करते हैं एन एन प्लस वन और बाई कितना करते हैं टू, तो ये क्या बन गया अपने पास, फॉर्मूला बन गया लगातार आने वाली संख्याओं के योग का फॉर्मूला, एन मतलब लास्ट नंबर से अगला एन प्लस वन बाई टू। ठीक है बेटा, तो सिंगल संख्याओं का योग अपन ने पढ़ लिया है, लास्ट नंबर लास्ट से अगला बाई टू। सपोज दैट अपन चेक कर लेते हैं मौके पे, आपको लास्ट डिजिट 50 दिया हुआ होता तो क्या करते हैं, 50 मल्टीप्लाई 51 डिवाइड बाई टू आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 होता तो 100 इंटू 101 बाई टू आंसर, एक जोड़ के मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कितना कर दो, दो कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, इन्हीं में से एक प्रकार के क्वेश्चन अपन से और पूछे जाते हैं। देखो जैसे बीच बीच में से योग पूछे गए होते तो अपन लोग किस प्रकार से हल करेंगे। देखो मान लो आपसे पूछा जाए कि 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस डैश 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 आज 20 बराबर क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही आज 20 प्लस 21 प्लस डैश 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 80 बराबर क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन उसे शुरू करना ही पड़ेगा। अब देखो जो अपन ने पिछला तरीका लगाया वही तरीका अपन यहां यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो जहां से संख्या शुरू होती है वहीं से लेना पड़ता है, लेकिन जो तरीका अपन यहां यूज करेंगे वो फर्स्ट वाले में भी यूज होगा, वो एक एक क्वेश्चन अपन उनका भी ले लेते हैं। तो देखो जैसे आ जाए 1 + 2 + 10 - 20 बराबर क्या होगा, 1 + 2 + 10 - 30 बराबर क्या होगा। एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको इन क्वेश्चंस का, किस प्रकार से अपन लोग हल करेंगे, क्वेश्चन से ही उसका तरीका बनाएंगे। ध्यान से देखना, जहां से संख्या शुरू होती है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रथम संख्या, कि यहां से प्रथम शुरू हो गया, और जहां तक अपने को जाना होता है वो क्या कहलाता है, अंतिम संख्या। और जो डिफरेंस होता है, ये जो तरीका मैं बताऊंगा वो उन क्वेश्चंस में लागू होगा जहां स्टार्ट से लेके एंड तक जो डिफरेंस है, अंतर है, वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, चाहे वो कितने का भी हो, अंतर समान होना चाहिए। अब चेक करना है पहले, देखो अंतर समान चल रहा है यहां भी और यहां भी अंतर समान है, तो देखो करना क्या है सीधा सा, मैं ये सॉर्ट आउट करने के बाद आपको फॉर्मूला बताऊंगा किस प्रकार से ये फॉर्मूला था। देखो यहां प्रथम संख्या कौन है अपने पास, प्रथम संख्या है 10, अंतिम संख्या कौन है अपने पास यहां 20 है, अंतिम संख्या 20, डिफरेंस कितने का है यहां +1 का क्या है, अंतर है। बस आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है, प्रथम संख्या, अंतिम संख्या और अंतर, ये निकाल लेना, बाकी क्वेश्चन सीधा सा हल हो जाएगा। देखो प्रथम अंतिम और अंतर एक बार दोनों को आप जोड़ दो 10 + 20, ठीक है, जोड़ दिया तो एक बार आप इनको घटा दो 20 - 10, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, घटाने का मतलब बड़े में से छोटा,
एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, उसके बाद जो घटाने पर मिलेगा उसमें अंतर को क्या कर दो, प्लस कर दो, और अंतर के दुगने का क्या लगा दो, इसमें भाग लगा दो। जो भी अंतर है वो यहां ऐड कर दो और दुगने का क्या लगा दो, भाग। अपना आंसर हो गया, बस इतना सा काम करना है। देखो 20 10 कितना हो गया 30, 20 में से 10 कम करो 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, डिवाइड बाय 2, 2 1 कम 2, कितना बार कटेगा बताओ, 15 बार, 15 1 कम 15, 15 1 कम 15 और 1 16, अपना आंसर कितना हो गया बताओ, 165 हो गया। 10 से 20 तक संख्याओं का योग 165। करना क्या है, प्रथम संख्या निकालो, अंतिम संख्या निकालो, अंतर निकालो, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, घटाने वाला जो नंबर आए उसमें अंतर प्लस कर दो और अंतर के दुगने का क्या लगा दो, भाग। चलो नेक्स्ट, प्रथम कौन है 1, अंतिम कौन है 20, क्या करना होता है, एक बार जोड़ दो 20 प्लस 1, एक बार घटा दो 20 माइनस 1, अंतर कितना है देखो प्लस 1, तो प्लस 1 कर दो और डिवाइड बाई 1 का क्या करना है, दुगुना। चलो हल करते हैं, 20 और 1 21, मल्टीप्लाई कोई साइन नहीं, तो कोष्ठक का मतलब गुणा होता है, 20 में से 1 गया 19, फिर प्लस 1 20 बाई 2, कितनी बार कटेगा ये, 10 बार कट जाएगा, 21 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 210 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्या किया, प्रथम अंतिम अंतर एक बार जोड़ दिया 20 और 1 21, 20 में से 1 कम करो 19 प्लस अंतर 20, 21 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 आंसर। अब वो पिछले वाला तरीका भी यही था, लास्ट नंबर 20, 20 से अगला 21 बाई 2, देखो 20 21 बाई 2 वही बन रहा है। ठीक है, यहां आ जाओ, फर्स्ट कितना है 20, अंतिम कितना है 80, एक बार दोनों को जोड़ दो 80 20, 80 प्लस 20, एक बार घटा दो 80 माइनस 20, अंतर देखो वही प्लस 1 आ रहा है, तो प्लस 1 ऐड कर दो और 1 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि अंतर का दुगुना करना है। चलो 80 20 100, 80 में 20 कम करो 60 और 1 कितना हो गया 61 बाई 2, कितना बार कटेगा ये, 50 बार, मल्टीप्लाई में 0 है तो वो आएगा 5, 1 कम 5, 5 6 30, आंसर हो गया अपना 3050। ठीक है, चलो फर्स्ट 1 लास्ट 30 जोड़ो, 30 1 31, 30 में से 1 कम करो 29 और प्लस 1, क्योंकि डिफरेंस 1 का है, तो 30 में से 1 29 प्लस 1 कितना हो गया 30 डिवाइड बाय 2, 1 है अंतर का दुगना, कितना बार कटेगा 15 बार, 15 1 कम 15 1 हासिल, 15 की 45 और 1 46, आंसर आ गया अपना 465 आंसर। ठीक है, तो तरीका क्या था अपना, कि एक बार आप क्या करेंगे, प्रथम संख्या निकालेंगे, अंतिम संख्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, उसके बाद एक बार दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को घटाएंगे, घटाने वाला जो भी संख्या प्राप्त हो उसमें जो अंतर है वो प्लस कर देंगे और अंतर के दुगने का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। ठीक है, अब देखो इसी में मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बता देता हूं, किस प्रकार से ये फॉर्मूला बनेगा। देखो देखो फॉर्मूला, सबसे पहले प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, एक बार दोनों को जोड़ दो,
फिर गठा दो। अब गठाने का मतलब बड़े में से छोटा गठाना है। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और अंतर को क्या कर दो, प्लस कर दो। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या प्लस अंतर, और डिवाइड में आ जाएगा दो गुना अंतर। जो भी अंतर है उसका क्या कर दो गुना कर दो। अब देखो, अपन लोग एक अंतर ना करके एक से ज्यादा अंतर वाला क्वेश्चन हल करते हैं। देखो जैसे आ जाए 5 + 10 + 15 + ऐसे आ जाए अपने पास 55 = क्या होगा, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है वो, अपन से कहीं से भी शुरू हो सकता है। बस ध्यान रखना है ये फॉर्मूला कहां लागू होगा, जहां संख्याओं का जो डिफरेंस है अंतर है वो क्या हो, समान हो। चलो प्रथम कितना है 5, अंतिम है 55। एक बार क्या बताया मैंने, जोड़ दो 55 = 60। एक बार घटा दो, 55 में से 5 घटाओ 50। अंतर कितना है देखो, प्लस 5, तो देखो 55 में से 5 घटाया तो 50 + 5 कितना हो गया बताओ, 55 / 22 अंतर 5 का दोगुना कितना हो गया 10। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 + 5 = 30 का 0 = 3, 6 + 5 = 30 और 3 = 33 आंसर कितना बन गया अपना 330, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब फॉर्मूला याद करो और अनलिमिटेड क्वेश्चन हल करो। अब इसमें देखो एक प्रकार के क्वेश्चन और आते हैं अपने पास, एक प्रकार के क्वेश्चन और आते हैं वो भी अपन लोग हल करते हैं। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेट पूछे ही जाते हैं। एक बार मैं आपको खोल के भी समझा दूंगा और शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा उन क्वेश्चंस के। दो क्वेश्चन करेंगे अपन लोग, जैसे 1 + 2 + 3 + ... 49 + 50 + 49 + ... 3 + 2 + 1 = क्या हो, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन लोग, 3 + 4 + 5 + ... 99 + 100 + 99 + 5 + 4 + 3 = क्या होगा, इस प्रकार से अपन ने दो क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या है ये भी अपन लोग देखेंगे और शॉर्ट आउट अपन लोग इसको किस प्रकार से करते हैं। देखो यहां से जब अपन लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं तो यहां तो क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। फिर इसके आगे जाते हैं तो ये वैल्यू आगे जाकर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो अपन लोग कोई ऐसा तरीका खोजें जिससे सीधा काम हो जाए अपना, ठीक है। अब मैं दो तरीके आपको बता देता हूं। देखो एक से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है देखो, मैक्सिमम 50 तक, तो 1 से 50 इधर, 1 से क्या हो रहा है 49 मैक्सिमम, ठीक, वो तरीका यूज कर लो। चलो 50 लास्ट नंबर, 51 / 2, क्योंकि लास्ट 50 मैंने पढ़ाया अभी, सिंपल संख्याओं का योग 50 × next multiply by 2, बीच में साइन प्लस का है, ये ले लो 49 × 50/2 आंसर बन जाएगा अपना। चलो हल करते हैं इसको, कितना बार कटेगा ये, 25 बार, 25 एक कम 25 दो, 25 × 5 = 125 और 2 = 127, टोटल 1275 +
कितना बार कटेगा? 25 25 नाम 225, 22 बच गया, 25 चौक 100, 122, 122। ये लो अपना आंसर आ गया, कितना? 2500। ठीक है, लेकिन मान लो 500 होता यहाँ पे, यहाँ होता 490 490, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, मतलब अपन लोग उसको इस प्रकार से नहीं कर सकते। देखो एक सीधा सा तरीका बताता हूं आपको, लॉजिकल तरीका है। ये जो क्वेश्चन है वो कहां से शुरू हो रहा है? एक से, और खत्म भी कहां हो रहा है? एक पे। ये ध्यान रखने योग्य बात है, शुरू भी कहां से? एक से, और खत्म भी कहां हो रहा है? एक पे। ठीक है, यहां एक ऐसी संख्या है जो सिंगल बार प्लस हो रही है, बाकी सब रिपीट हो रही है, डबल डबल बार प्लस हो रही है। देखो एक एक, दो दो, तीन तीन, 49 49, लेकिन 50 एक ही बार प्लस हो रहा है। तो आप इसी से अपन लोग ट्रिक बनाएंगे। देखो जो संख्या सिंगल बार प्लस हो रही है उसे ही डबल कर दो, उसका ही क्या कर दो? वर्ग कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये है, इसका अपन लोग क्या कर देंगे बताओ? वर्ग करेंगे, 50 का वर्ग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? देखो 2500, बस कुछ नहीं करना, बस ध्यान ये रखना है। ये काम मुझे कब करना है? जब शुरू कहां से हो? एक से, और खत्म भी कहां हो? एक पर। मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया? क्योंकि मैंने यहां एक से शुरू नहीं किया, तीन से शुरू किया, तो ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने। अब अपने साथ क्या होता है, ये एक पढ़ के चले जाते हैं, ये आ जाता है और याद करके जाते हैं, ये बीच में जो सिंगल बार है उसे वर्क कर दो, आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन में वो भी रहेगा और क्या हो जाएगा? गलत। ध्यान रखना है शुरू कहां से हो? एक से, और खत्म भी कहां होना चाहिए? वो एक पे ही होना चाहिए, तभी अपन लोग ये काम करेंगे और आंसर लगा देंगे। काम तो इस क्वेश्चन में भी यही करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो क्या, बीचों बीच कौन बैठा है सिंगल बार? 100, उसी का क्या कर दो आप? वर्ग। तो 100 का वर्ग कितना हो गया बताओ? 10000 हो गया। लेकिन ये 10000 गलत है, क्यों? क्योंकि ये एक से शुरू नहीं हो रहा और एक पे भी खत्म नहीं हो रहा। अब क्या करें अपन लोग? तो एक से शुरू नहीं हो रहा तो हो कहां से रहा है? तीन से। तो इसमें अपन ने क्या छोड़ रखा है बताओ? तीन। आगे से 1 + 2 छोड़ दिया, तो 1 + 2 = 3, और ऐसे यहां अपन ने क्या छोड़ रखा है? 2 + 1 = कितना होता है? 3। का मतलब ये है कि इधर से भी 3 कम है और इधर से भी 3 कम है, तो टोटल कितना कम हुआ बताओ? 6 कम करते ही अपना आंसर बन जाएगा, क्योंकि अगर 1 और 2 यहां होता और यहां भी होता तो आंसर कितना बनता इसका? 10000। कितना कम कर देंगे? 6। आप 10000 में से 6 कम करेंगे तो अपना आंसर बन जाएगा 9994 आंसर आ गया। ठीक है, तो बस ये जो पॉइंट है, शर्त है, ये आपको याद रखनी है कि अपन लोग किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा सामने और उसको कैसे हल करेंगे, लैंग्वेज किस प्रकार से चेंज करते हैं वो लोग। अब इसमें और इसमें देखो क्या फर्क है, छोटा सा फर्क है, ध्यान ये रखना है बीच वाले का ही वर्क करना है ऐसे क्वेश्चन में, बट शुरू एक से होना चाहिए और खत्म का होना चाहिए वो भी एक पे ही होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपना जो दूसरा भाग था योग में वो क्या था? संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, अब इसमें संख्या तो वही होंगी, लेकिन यहां क्या लिख दिया उसने? वर्ग, और वर्ग का मतलब है पावर कितना लगेगा संख्याओं के ऊपर? 2 लगेगा। ठीक है, देखो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सीधा सा है, आपको कुछ नहीं करना, तरीका बताऊं उसका यूज करो और प्रैक्टिस करो,
प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट होता है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूले वगैरह है सब आपको याद हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन से ही अपन लोग इनका फॉर्मूला बनाएंगे। देखो जैसे क्वेश्चन आ जाए, प्रथम दस प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, प्रथम दस पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। एक अपन लोग फॉर्मूला वाला क्वेश्चन बना लेते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। एक क्वेश्चन अपन ने बना लिया फॉर्मूला बेसिस कि ये जो फॉर्मूला वाला फॉर्मूला बनेगा वर्गों के योग का वो क्या होगा, किस प्रकार से बनता है। अब ध्यान से देखो कहां से शुरू करना है, प्रथम किसकी बात हो रही है, प्राकृत की। क्या करना है, वर्ग कितना लेना है, 10 लेना है। और क्या करना है, योग। आंसर क्वेश्चन कोई भी हो उसका लैंग्वेज समझो, आंसर आ जाएगा। चलो ए प्लस दो प्लस तीन प्लस डैश 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 10 सिंगल नंबर, यहां तक वर्ग पावर कितना आएगा, इनके ऊपर 2 पावर आ जाएगा, ठीक है। चलो करना क्या है, लास्ट नंबर उठाओ, यहां पे वही काम करो। लास्ट कितना है इस क्वेश्चन में, 10 उठाओ, 10 से अगला 11 जोड़ दो दोनों को, 21/6 आंसर बन गया अपना। करना क्या है, लास्ट से अगला जोड़ दो बाई 6, ठीक है। चलो हल करो, मैंने कहा ये कटेंगे हमेशा याद रखना, नहीं कट रहे तो गलत हो गया। 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21 और कितना बार, 5 बार, 11 × 5 = 55 और 7 × 5 = 35 और 3 कितना हो गया, 38। तो आंसर कितना हो गया अपना, 385 आंसर हो गया। करना क्या है अपन लोगों को, लास्ट नंबर लास्ट से आगे वाला नंबर दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 6, वर्गों का योग हो गया चाहे जितना भी हो। यहां आ जाओ, प्रथम पूर्ण संख्या वर्गों का योग, कहां से 0 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग डैश डैश डैश। ध्यान से देखो 10 तो कहां तक लेंगे, 9 तक लेंगे, ठीक है। चलो लास्ट कितना है बताओ, लास्ट 9 से अगला 9 के बाद 10, दोनों को ऐड करो, 19/6 बस आंसर। लास्ट 9 से अगला 10, 10 × 9 = 19/6 हल करो, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 और 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, 15 × 9 = 135, 13 × 15 = 13 = 28 आंसर आ गया 285। चेक करा लेता हूं, यहां 10 का भी वर्ग था तो 10 का वर्ग 100, यहां 9 का ही वर्ग था तो इन दोनों में कौन से नंबर का अंतर है, 10 का अंतर है और 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो योगफल में कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो 100 का ही आ रहा है, ठीक है। चलो यहां प्रथम प्राकर एन एक दो और कहां तक जाना है बताओ, एन स्क्वायर तक, क्योंकि मुझे लास्ट डिजिट एन लेना है। काम वही करो, लास्ट नंबर एन, एन से अगला बताओ एन प्लस 1, दोनों को जोड़ दो, एन एन कितना हो गया, 2n + 1 = 1/6 आंसर। लास्ट एन एन प्लस 1 जोड़ो दोनों को तो एन एन 2n + 1/6 तो ये क्या हो गया,
वर्गों के योग का फॉर्मूला हो गया। कितने भी वर्गों का योग का फॉर्मूला अपन लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अपन लोगों ने क्या लिया, योगफल लिया, और योगफल के तीन प्रकार के भाग बनाए। उनमें से सिंपल संख्याओं का योग पढ़ लिया अपन ने, फिर संख्याओं के वर्गों का योग निकाला। सिंपल सिंपल फंडे हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपन लोग कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। ठीक है, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।